जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। और आज की बहुत सुंदर सी छोटी सी लीला है और मुझे बताने में देर भी इसलिए हुई, आज मेरे पास बहुत सारा काम था। आज मैं बच्चों के स्कूल गई थी तो काफ़ी सारा समय लग गया वहाँ पे। आने के बाद सोचा थोड़ा लेट लूँगी, लेकिन लेट भी नहीं पाई। फिर चलिए बात करके मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज की कोई खा मतलब जो लीला है वो बहुत ही अलग थी। आज होता ये है कि आज बिहारी जी नहीं आते हैं और ना ही सोना वृंदावन जाती है, और जो संदेशवाहक है जो हर बार आते हैं वही संदेशवाहक आए हैं, और आने के बाद वो सोना को देखते हैं, घर के द्वार खुले हुए हैं और वो कहते हैं कि बिहारी जी नहीं आएंगे। तो सोना उन्हें देखते ही कहती है, अरे आप आए हैं तो बिहारी जी क्यों नहीं आएंगे? तो बोले, नहीं उनके ना पैरों में दर्द है। तो सोना सुनकर चिंतित हो जाती है और कहती है, तो मुझे बता देते ना, मैं चली जाती। तो बोले, नहीं नहीं उन्होंने मना किया है कि तुम नहीं आना और ना ही वो आएंगे दो दिन तक, और उनकी सखी आई है गाँव से, वही उनका ख्याल करेंगी, मतलब क्या ख्याल रखेंगी। तो सोना बोली, अच्छा आप सखी आ गई हैं तो वो मुझे भूल गए? तो बोले कि नहीं, अगर भूल जाते तो वो यहाँ पे संदेश देने के लिए नहीं बोलते। तो सोना कहती है, अरे उनकी तो हमें लीला भी डालनी थी ना, तो वो कैसे डालेंगे वहाँ पे? तो सोना तो उनके संदेशवाहक जो भी है, उनका हम नाम नहीं जानते, कुछ उनका कुछ नहीं पता है, तो वो कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि उनके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मेरी आंखें दर्द हो रही हैं। इस बात पे हंसना मेरा स्वाभाविक है और आप सबको भी हंसी आएगी ही उसका भी। देखिए, ये बहुत बड़ी लीला है प्रभु की आज की, आप समझ लो, बहुत समझने की ज़रूरत है इसमें, उन्होंने ये क्यों कहा है। तो वो कहते हैं कि उन सभी को भी रेस्ट लेने दो, दो दिन उनको रेस्ट लेने दो। और ये देखिए, ये मैंने जो वर्ड बोला रेस्ट लेना, उनका कहना था आराम करने दो, दो दिन मैं भी आराम करूँगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है इस लीला के पीछे, और राज ये है कि कल कुछ सवाल थे जो मैंने लाला से किए थे और लाला शायद उनके जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कल कुछ बात को लेकर मैं थोड़ा सा, लाला है मेरा तो मैं बोल सकती हूँ उससे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको बोली थी। तो वो समझ गए कि अगर मैं सामने आऊँगा और अगर मैंने लीला में उनका जवाब नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने ये लीला रच डाली कि उनके पैरों में दर्द है, उनकी सखी आई है, या कोई और वजह भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई बात नहीं, वो आज नहीं आए हैं, तो देखते हैं, तो इंतज़ार करते हैं दोस्तों। और प्रभु का ये कहना कि उनके कमेंट्स पढ़ना तो आप लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है ना, उन्होंने इसका नाम ले दिया तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं। और इतने सारे मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, उनमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जिनके काफ़ियों के तो भाई कष्ट दूर हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये स्वप्न लीलाएँ हैं, वास्तविकता से इसका कितना अस्तित्व है, मेरे लिए 100% है, जिनको विश्वास है उनके लिए 100% है, मैंने ये बात बोल दी है। तो आप सबको खूब सारा प्रेम, और खूब सारा प्रेम बिहारी जी से करिए, और उनके पैरों में दर्द है तो अपने अपने लड्डू गोपालों के जय खूब सारे पैर दबा दीजिए, ठीक है, ताकि उनके पैरों का दर्द कम हो जाए। बाकी तो उन्होंने उनकी सखी करेंगी, हम सब के लिए मना किया है उन्होंने। लेकिन जो भी है, बड़ा प्यारा है हमारा लाला। राधे राधे।